प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली में सेंध, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा, 20 मिनट तक फ्लाई ओवर पर काफिला रोकना पड़ा। प्रशासन को दी गई थी काफिले की जानकारी, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली में सेंध लगी, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा, 20 मिनट तक फ्लाई ओवर पर जो काफिला है वो रुका और प्रशासन को इस काफिले की जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद इस काफिले को इंतजार करना पड़ा। और आपको बता दें उसके बाद जो फिरोजपुर की रैली थी जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे और जिसमें लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था, वो रैली अब रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि कहा जा रहा था कि क्या वजह रही इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी ये कहा जा रहा है कि इसमें सेंध लगी और इसी वजह से जो काफिला है वो काफ़ी देर तक यहाँ पर रुका रहा, हाईवे पर जो है उस पर रुका रहा, जो फ्लाईओवर था वहाँ पर ये काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। और अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुकता है तो ये बड़ी जानकारी हो सकती है, महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर एमएचए का बयान, सुरक्षा में सेंध के चलते रैली रद्द की गई, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट और पंजाब सरकार को जिम्मेदारी तय करने को कहा गया, जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। फिरोजपुर में होने वाली थी पीएम मोदी की रैली, तो पीएम मोदी की ये रैली जो फिरोजपुर में होने वाली थी वो रद्द हो गई, जिसके बाद अब एमएचए का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में सेंध के चलते इस रैली को रद्द करना पड़ा है, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है कि पंजाब सरकार को जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है कि आखिर कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से इंतजार प्रधानमंत्री को करना पड़ा। और हमारे साथ अदिति जुड़ गई हैं, दिल्ली ब्यूरो चीफ। अदिति, प्रधानमंत्री की रैली रद्द हो गई, फिरोजपुर ये रैली थी और कहा जा रहा है कि सेंध लगी, क्या ये सेंध थी? क्योंकि अब तो पंजाब सरकार को भी कहा गया है कि जिम्मेदार जो है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जाहिर तौर पर देखिए ये बहुत बड़ी रैली थी और इसमें इस रैली का महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि वो जो तमाम चला साल भर से ज्यादा का जब किसान प्रोटेस्ट था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार पंजाब पहुंचे थे और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि प्रभारी थे वो भी वहां मौजूद थे, लेकिन अब वो रैली नहीं हो पाई। तस्वीरें हमारे सामने हैं कि करीबन 30 किलोमीटर दूर जो उनका पूरा काफिला था उसको इंतजार करना पड़ा 15 मिनट तक और आखिरकार वो रैली रद्द कर दी गई क्योंकि आगे प्रोटेस्ट था। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई और उन्होंने कहा कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा पहुंचे थे, वहां पर उनको नेशनल मार्टर्स मेमोरियल पहुंचना था हुसैन वाला का हेलीकॉप्टर से और रेन और पुअर विजिबिलिटी तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो आधे जो प्रेस नोट आया है उसमें कहा गया है कि रेन और पुअर विजिबिलिटी के चलते प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर 20 मिनट इंतजार करना पड़ा और उसके बाद वेदर जब थोड़ा इम्प्रूव हुआ तब नेशनल मार्टर्स मेमोरियल रोड के तहत वापस गए जहाँ पर 2 घंटा लगा और उन तमाम जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट थे भी पंजाब की तरफ से वो किए गए थे और करीबन 30 किलोमीटर दूर जहाँ वहाँ पे नेशनल मार्टर्स मेमोरियल हुसैन वाला पहुंचने वाले थे वहां पर प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय को फ्लाईओवर से रोका गया क्योंकि प्रोटेक्टर ने वो फ्लाईओवर ब्लॉक कर दिया गया था। प्रधानमंत्री उस फ्लाईओवर से करीबन 15-20 मिनट तक इंतजार करते रहे और ये भी कहा गया कि मेजर सिक्योरिटी गैप प्रता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हेलीकॉप्टर जा रहे थे पर उसके बाद से बाय रोड जब जाने लगे तब जो डीजीपी को पूरी जिम्मेदारी दी थी पूरे जिम्मेदारी अधिकारी प्रधानमंत्री के ट्रैवल की वहां पर प्रोटेस्टर्स फ्लाईओवर पहुंच गए तो ऐसे में ये बहुत कड़ी कार्रवाई और पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने मांगी है कि किसका लैप्स है, किस वजह से है, कौन से ऐसे कोई कंटिजेंसी प्लान पंजाब गवर्नमेंट का क्यों नहीं था जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो उन कंटिजेंसी प्लान क्यों डिप्लॉय एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं की गई थी और ये तमाम तरीके के सवाल गृह मंत्रालय में अपने जो है सवाल पूछे गए हैं और ये भी कहा गया है कि साफ तौर पर सिक्योरिटी हासिल हुआ था, साफ तौर पर सिक्योरिटी का लैप्स किया गया था तो ये तमाम चीजें हैं और अब गृह मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल। और आदित्य देखिए बयान आना भी शुरू हुए और इसी को लेकर जेपी नड्डा ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हार के डर से कांग्रेस का ये हथकंडा है, उन्होंने सीएम चन्नी जो है उन पर ये विरोध दर्ज किया, उन्होंने कहा बड़ा आरोप लगाया कि चरणजीत चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया है। बिल्कुल,
बिल्कुल, देखिए लगातार बयान आ रहे हैं, और जब क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष का इस तरह का बयान आना और ये आरोप लगाना कि मुख्यमंत्री ने वहां पर फोन तक नहीं उठाया है, ये एक बड़ी बात सामने आती है। देखिए दो बातें हैं, ये बहुत बड़ा झटका है प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लिए कि फिरोजपुर में वहाँ रैली थी, वहां पर एड्रेस करने जा रहे थे, लेकिन वहां पर इस तरह का लैप्स होना, ये एक बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी, और खास तौर पर देखिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लगातार, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर वो जो बीजेपी के नेता है वो लगातार ये बात कह रहे थे कि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अब सब कुछ ठीक है और किसानों के मन में तमाम बातें थी वो खत्म हो गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो इसको यू टर्न कहा गया है, या ये कहा गया कि वो किसानों को समझा नहीं पाए और सब कुछ ठीक बताया जा रहा था, लेकिन आज की ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मन में पॉलिटिकल जीत कहीं ना कहीं ये दर्ज जाती है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है कि अब लगातार इस तरह के बयान आएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रैली नहीं कर पाए, और इसका बड़ा एनालिसिस भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये रैली है इसे कॉल ऑफ कर दिया गया है सिक्योरिटी ब्रीच के तरफ से, और जो सीएम चन्नी है उनसे भी सवाल किए गए हैं, और ये माना जा रहा है, बीजेपी बता रही है सूत्र से, कि उनको फोन किया गया था चेंज ऑफ प्लान के लिए भी, डीजीपी को बताया गया था, लेकिन किसी भी तरह का कंटिजेंसी प्लान नहीं था और मुख्यमंत्री ने फोन नहीं उठाया। लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो साफ तौर पे बहुत कड़ा है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और और इस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन ये एक और बड़ी राजनीति हो गई है, अगले दो दिन आपको केवल यही नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से। और लेकिन ये जो लैप्स है सुरक्षा में, जो सिक्योरिटी में लैप है, वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह 20 मिनट अगर प्रधानमंत्री का काफिला रुकता है तो ये बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति पूरी जानकारी के लिए।